नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होगा कि आप लोगों को जितना भी बीमारी है हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आप लोगों को दाद खाज खुजली है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 1 से 2 मिनट की वीडियो होने वाली है, आपको पूरा जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि देखने से ये होगा कि आप लोगों की जितना भी बीमारी है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। दोस्तों ये है पपीता का छिलका, देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये सब जो है पपीता का छिलका है। अगर आपको दाद खाज खुजली है तो इस पपीते को छिलके को आपको क्या करना है कि पानी में उबाल लेना है आधा घंटा, ध्यान से देख लीजिए। और ये पपीता जो है वो बिल्कुल देहाती होना चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि उबालने के बाद में 1 cc में भर करके वो पानी रख देना है। और रखने के बाद में आपको क्या करना है कि सुबह और शाम इस पपीते को पानी को जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ लगाइएगा। अगर 21 दिन ये दवा आप कर लेते हैं तो समझिए कि आप लोगों की दाद खाज खुजली बिल्कुल मिट जाएगा। लेकिन दाद खाज खुजली क्यों होता है इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। ज़्यादा मछली खाते हैं तब भी दाद खाज खुजली होगी, ज़्यादा अंडा खाने से भी होता है, और ज़्यादा दही खाने से होता है, ज़्यादा बैंगन खाने से होता है। तो दाद खाज खुजली हुई है और ये दवा चलाते हैं और खान पान पर ध्यान नहीं रखेंगे, मछली उछली खाते हैं तो ये बीमारी नहीं छूटेगी। मछली, कांदा, कोहरा, बैंगन छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में इस दवा को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब तो आपके पास से बीमारी जो है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहेंगे कि कांदा, कोहरा, बैंगन खाएं तो आपके पास से बीमारी बिल्कुल नहीं मिटेगी। इसमें इतना गुण पाया जाता है, बेगर पैसे का ये दवा है। खाने के लिए अगर आप लोग पपीता भी लाएंगे तो पपीता भी खा जाएंगे, और इसको लगाएंगे तो आपकी दाद खाज खुजली भी मिट जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ बने रहें, मस्त रहें।